आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हाथ से बनाने वाली जो शराब होती है, जिसे कच्ची शराब भी कहते हैं, लहान वाली शराब भी कहते हैं, लगभग 10 लाख रुपए की इस शराब को आबकारी विभाग के द्वारा नष्ट किया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी की जिलाधिकारी संस्कृति जैन और सहायक आबकारी आयुक्त शैलेश जैन के मार्गदर्शन में 7 अगस्त को आबकारी विभाग के सिवनी मंडल के उत्तर व्रत के अंतर्गत कानीवाड़ा क्षेत्र के ग्राम जावना और बिछुआ के जंगल में संयुक्त दल द्वारा जहरीली हाथ भट्टी शराब के अड्डों पर छापा मारा गया था। ये जब यहाँ पर छापा मारा गया तो लगभग 3,25,000 रुपये की शराब उस वक्त जब्त की गई थी। और 29 अगस्त 2024 को सुबह 6 बजे खवासा पीपरवानी क्षेत्र के जंगल में अवैध हाथ भट्टी शराब के अड्डों पर छापा मार कर उन्हें नष्ट किया गया। आबकारी विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि आबकारी विभाग को सूचना प्राप्त हुई थी कि पीपरवानी के जंगल में कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाने के अड्डे चलाए जा रहे हैं। भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें सप्लाई किया जाता था, बेचा जाता था। प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग द्वारा पीपरवानी के जंगलों में दबिश दी गई और अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डे रद्द वहां पर नष्ट किए गए। छापे की कार्रवाई में आबकारी दक्षिण व्रत की प्रभारी खुशबू प्रिया मराबी, आबकारी उपनिरीक्षक जो हैं उनके द्वारा दो अज्ञात और दो अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत पंजीबद्ध किए गए हैं। पंकज साहू 27 साल के हैं, इनके पिता दशाराम ये पीपरवानी के रहने वाले हैं, और 42 साल के बबलू डहरवाल पिता विपत लाल ये भी पीपरवानी, इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। छापामार कार्रवाई में 75 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब, 6,300 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया। इसकी अनुमानित कीमत 6.5 लाख रुपए बताई जा रही है। हम आपको अभी दिखाया हमने किस तरह से जंगलों में इनके द्वारा जंगल के अंदर आप देख सकते हैं ड्रमों में महुआ को सड़ाया जाता है। ये ड्रम जो आपको दिख रहे हैं इसके अंदर महुओं को सड़ाया जाता है और उसके बाद फिर नाले या कहीं पानी के स्रोत के आसपास, ये देखिए यहाँ पर आपको महुआ दिख रहा होगा, गर्म करके भट्टी लगाकर शराब निकाली जाती है। लोगों का कहना है कि ये शराब, यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं जलता हुआ आपको दिख रहा होगा चूल्हा और उसके ऊपर मटके चढ़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर भी आपको देखिए ट्यूब में शराब भरी हुई दिखाई दे रही है। आबकारी विभाग के सूत्रों का कहना है ये शराब जहरीली हो सकती है क्योंकि इस शराब को सड़ाने के लिए कई बार यूरिया का उपयोग किया जाता है जो जहरीला होता है, और अवैध शराब जिस तरह से 6.5 लाख रुपए की लगभग मूल्य की 29 तारीख को और 7 अगस्त को 3,25,000 रुपए मूल्य की अवैध शराब जब्त की गई थी। देखिए यहाँ पर किस तरह नली लगाकर, पानी के पाइप लगाकर शराब उतारी जाती है, शराब जहरीली होती है। देशी शराब के ऊपर सिवनी के आबकारी विभाग का नजला टूटता हुआ नजर आ रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आबकारी विभाग महकमा बहुत अच्छा काम करता हुआ प्रतीत हो रहा है, जो इस तरह से इस जो भी अवैध शराब है उस अवैध शराब को, ये देखिए यहाँ पर अवैध रूप से सड़ाया हुआ महुआ आपको दिख रहा होगा जिसे इनके द्वारा नष्ट किया जा रहा है। विदेशी शराब, अंग्रेजी शराब की तस्करी भी बहुत जोरों पर है, इस तरीके की चर्चाएं हैं, उस दिशा में भी आबकारी विभाग को प्रयास करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।